हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, पावर सेक्टर का एक ऑलमोस्ट डेट फ्री शेयर जिसमें आज अपर सर्किट लगा है। इस कंपनी के बारे में आपने शायद ही सुना होगा क्योंकि ये कंपनी इतनी फेमस नहीं है, बट इसके फंडामेंटल्स ठीक ठाक है और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और कंपनी के रिजल्ट भी शानदार आए थे क्वार्टर थ्री के, उसके बाद में तेजी बनी हुई है और कंपनी का शेयर अभी ब्रेकआउट के लेवल पर है। ब्रेकआउट देगा तो लगातार तेजी में ऊपर जा सकता है। कंपनी के प्रमोटर्स भी 75% है और DII का होल्डिंग भी 16% है। 16% का होल्डिंग DII का भी है और प्रमोटर होल्डिंग भी 75% है, जिसके कारण ये शेयर काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। कंपनी के जो रिजल्ट थे काफ़ी शानदार आए थे। क्वार्टर थ्री का रिजल्ट ईयर ऑन ईयर 1000% से बढ़कर आया है। 10 गुना इसका प्रॉफिट बढ़ा है और उसी के बाद में इसमें तेजी शुरू है। अभी भी इसमें और भी तेजी होने की संभावना है, ब्रेकआउट के लेवल पर है। इस कंपनी का काम क्या है? कंपनी पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है और पावर प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल करने का कंपनी काम करती है, जिसका आज का रेट था 827 रुपीज़ एंड 52 वीक हाई था 855 रुपीज़। पी है 230 का और EPS है 4 का। डेट इक्विटी रेशियो है 0.08। कंपनी पहले घाटे में रहती थी, पिछले 2-3 क्वार्टर से कंपनी 4 क्वार्टर से लगातार प्रॉफिट में है और हर क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण ये शेयर लगातार तेजी में रहता है। प्रमोटर होल्डिंग 75%, FII का होल्डिंग 0.70% और DII का होल्डिंग 16%, जो कि काफ़ी शानदार है। रिजल्ट की बात करें तो दिसंबर 22 में प्रॉफिट था 5 करोड़, सितंबर 23 में था 37 करोड़ और अभी दिसंबर 23 में आया है 49 करोड़। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में जंप 1000% से, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप 30% से। तो ओवरऑल देखा जाए तो शेयर की टर्न अराउंड स्टोरी है। पावर सेक्टर भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस शेयर को स्टडी करके आप बाइंग के बारे में सोच सकते हो। कंपनी का नाम है GE T&D India Limited, जिसका आपको ऐप में आपके नाम मिल जाएगा गेट एंड डी नाम से। GET डालिए आप तो आपको आपके ऐप में ये शेयर मिल जाएगा। GET&D इस नाम से ये ऐप में आपको शेयर मिल जाएगा। गेट एंड डी इस नाम से ये शेयर आपको आपके ऐप में मिल जाएगा, जो कि आने वाले दिनों में ब्रेकआउट के बाद में अच्छी तेजी दिखा सकता है। तो स्टडी कीजिए और कंसिडर कीजिए टू बाय दिस शेयर। थैंक यू फ्रेंड्स।